बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक आपके सामने हूँ। और जी मैं अपने नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन और फ्राइड राइस। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनती है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चलते हैं अपनी यहाँ पर जी रेसिपी की तरफ। जाने से पहले मैं आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए मेरी वीडियो को लाइक करें, पूरा एंड तक वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो आप तो लोगों को कैसे लग रही है। सबसे पहले जी यहाँ पर 800 ग्राम मैंने चिकन ले लिया बोनलेस। इसको मैं डाल लूँगी एक बाउल में, अच्छे से वॉश करके इसको मैंने बाउल में डाल लिया। अब सबसे पहले जो इसमें जाएगा वो सबसे पहले एक अंडा है, इसमें एक अंडा डाल देना और एक बड़ा चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का, किसी भी कंपनी का कॉर्नफ्लोर ले लें और वो आपने डाल देना है। तकरीबन मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर के, ये डाल देने हैं। इसके साथ ही काली मिर्च डाल चल जाएगी हमारी, ब्लैक पेपर शामिल कर रही हूँ। जो इसके अंदर ब्लैक जायका आएगा ना वो इस ब्लैक पेपर से आएगा। 1 चम्मच मैंने भरा हुआ ब्लैक पेपर का शामिल कर दिया है। काली मिर्चों के बाद अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ इसमें, 1 चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। इसके साथ जी मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। सोया सॉस भी इसमें बहुत ही तकरीबन 1 से 2 से 2.5 चम्मच मैं सोया सॉस के डाल रही हूँ। और साथ इसके साथ विनीगर शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच विनीगर का ऐड कर रही हूँ। अब जी इसे अच्छे से जो है मैं मैरिनेट कर लूँगी। यहाँ पर जी देखिए मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, मैरिनेट हो गया ये। अब इसको मैंने 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रख दें या आप बाहर ही रख दें, अगर बाहर टेम्परेचर ठीक है तो आप बाहर रख सकते हैं। तो 20 मिनट के बाद मैं जो है आपको दिखाती हूँ कि मैं इसके साथ अगला प्रोसीजर जो है वो मैं अच्छा जी यहाँ पर जो है अब मैंने चावल बॉईल कर लिया, मैं फ्राई जो राइस है वो तैयार करने जा रही हूँ। वो कैसे रेडी कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जी सबसे पहले जो है मैं ऑयल डाल रही हूँ, एक बड़ा सा मैंने पतीला ले लिया। मैं 1 kg चावल बना रही हूँ उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। जनाब जी यहाँ पर जी अब मैं जो है अंडा डाल रही हूँ, अंडा डाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला और साथ ही अब इसके अंडे डाल रही हूँ। 3 से 4 अंडे मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। यहाँ पर जी अब मैं शामिल कर रही हूँ गाजरें, जो कि मैंने बारीक कटिंग करके इनको अच्छे से वॉश करके और बारीक कटिंग कर ली थी। अब मैं ये इसमें डालने जा रही हूँ। ये देखें जी यहाँ पे मैंने गाजरें और अंडा और ऑयल इसमें शामिल कर लिया है। अब इसके बाद मैं जो डाल रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इनको 5 मिनट तक इनको फ्राई करना है ऑयल में। गाजरों को 10 मिनट फ्राई करने के बाद ये मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप इसमें जितना मटेरियल ज़्यादा डालेंगे ये राइस उतने ही मज़े के बनेंगे। इन दोनों चीज़ों को जी मैं 5 से 10 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। इन दोनों को 5 से 10 मिनट तक मैं फ्राई करने के बाद इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी सोया सॉस और विनीगर। विनीगर और सोया सॉस जब मैं डालूँगी मैं। अब जी ये देखें मैं सोया सॉस जो है इसमें शामिल करने जा रही हूँ, तकरीबन 1 से 2 चम्मच। ये 1 kg की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ ही विनीगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। विनीगर भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। अभी इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जी यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सफेद मिर्च का पाउडर, वाइट पेपर, वाइट चिली पेपर डाल रही हूँ इसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच। और इसी के साथ मैं जो है इसमें शामिल करने जा रही हूँ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर भी आपने ब्लैक पेपर से ही जायका आएगा। मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी हैं ब्लैक पेपर के। अब अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे।
अब जी इसके अंदर जो तीसरी चीज शामिल कर रही हूँ वो मैं जीरा पाउडर है, मैं इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर का शामिल कर रही हूँ। इसको ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेना आपने। ये सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद आपने जो राइस बॉइल किए हैं वो इसमें शामिल कर लेंगे जी। आप इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद 10 से 15 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें ये बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी को आपने डाल के ना थोड़ा सा हिला के और उसके बाद आपने इसके बाद चावल डाल रहे हैं। इसे मैं तकरीबन सिर्फ 5 मिनट तक फ्राई करूँगी। अच्छा जी ये सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं मेरी अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर जो है बॉयल किए हुए जो ये मेरे राइस हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल कर लूँगी। ये देखो जी अब जी मैं सारे चावल जो है इसके अंदर डाल के अच्छे से इनको मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। फ्लेम जो है आपने बिल्कुल मीडियम रख कर देना है। जैसे ही आप राइस डालेंगे उसके साथ आपने फ्लेम मीडियम कर देना है। मैं सारे राइस इसमें डाल रही हूँ शामिल कर रही हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए जी मैंने अच्छी तरीके से जो है सारे राइस जो है वो मिक्स कर दिए हैं और अब मैं इनको 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर छोड़ने लगी हूँ। इनको दम दे दूँगी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बस सिर्फ इनको दम देना है मैंने। देखिए इनका कलर कितना प्यारा आया। अच्छा यहाँ पर जी मैं जो है अब जो ये चिकन है ये चिकन जो मैंने मैरिनेट किया था इसे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और मैं अब इसको अच्छे तरीके से डीप फ्राई करने लगी हूँ इन सारी बोटियों को। तो ये फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक पैन ले लिया उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया शामिल कर लिया और साथ ही अब मैं जैसे ये ऑयल गर्म होता है मैं साथ इनको फ्राई करती हूँ। अच्छा जी यहाँ पर मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इन सारी बोटियों को जो है एक एक करके इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ पर जी जो है मेरा ये देखिए चिकन की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं इस कंडीशन में इसको निकालने लगी हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारा जो चिकन है वो फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। इसी तरीके से मैं अब बाकी का जो चिकन है वो डाल के सारी चिकन फ्राई कर लिया। अब मैंने एक पैन ले लिया उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद बस 1 से 2 चम्मच ऑयल के मैं शामिल करूंगी इसके अंदर। उसके बाद जी अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। इसमें ये देखें 1 चम्मच जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। जहाँ पर जी देखें ऐसा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो लाइट ब्राउन गोल्डन कलर उसने ले लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद फ्राई करने के बाद जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन जो आपके सामने मैंने अभी फ्राई की है। यहाँ पर जी अच्छे से फ्राई हो गया है अदरक लहसुन और अब मैं इसमें शामिल करनी हूँ ये चिकन। इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर अब मैं शामिल करने जा रही हूँ इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। जितना आपने इसका मंचूरियन रेडी करना है ना उस हिसाब से आपने इसमें उतनी क्वांटिटी का इसमें पानी ऐड कर देना। मैंने इसमें 1 लीटर जो है पानी ऐड कर दी है जी। यहाँ पर जो है मैंने इसमें जितना पानी मुझे जितनी क्वांटिटी का चाहिए था मैंने ले लिया। उसके साथ ही अब मैं इधर जो है ना इसमें काली मिर्च और सोया सॉस और सिरका शामिल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें काली मिर्च 1 से 1.5 चम्मच शामिल कर दी है और साथ ही मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर। और साथ ही अब मैं इसके जो है ना टोमेटो केचप मेन इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो टोमेटो केचप है। मैं इसमें टोमेटो केचप जो है वो शामिल करने जा रही हूँ। ये मैंने एक छोटा स्पंज लिया था केचप का वो मैं सारा इसमें ऐड कर रही हूँ।
ये देखें जी, मैं आपके सामने इसको मिक्स कर रही हूँ। केचप को डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसके अंदर केचप मिक्स कर देनी है इसी पानी में। ये देखें जी, इसने जो है बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर जो है इसमें शामिल हो चुका है। रेड कलर केचप ने जो है अपना शामिल कर लिया इसके अंदर। अब जी मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ वो है कॉर्नफ्लोर, जो मैंने पानी में 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मिक्स कर लिए थे, अब वो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। अब मैं साथ साथ इसको मिक्स करके देखती हूँ कि ये इसके अंदर और डालने की ज़रूरत है या नहीं। बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये इसमें और कॉर्नफ्लोर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जी जो लास्ट इसमें चीज़ शामिल करने जा रही हूँ वो है, मैं आपको दिखाती हूँ, वो जी ये तिल है, वाइट तिल, जो इसकी ख़ास खसूसियात है। इसमें शामिल कर रही हूँ तिल का 1 चम्मच। ये देखें जी, ये मेरा मंचूरियन जो है इस टाइम पे बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसका कलर, इसकी लुक आप खुद देख सकते हैं कि ये कितना कलरफुल और यमी सा तैयार हुआ है। यहाँ पर जी ये देखें, मैं सर्व करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इसमें राइस शामिल कर रही हूँ, प्लेट इसकी सर्व करने लगी हूँ, थोड़े से राइस और साथ ही मंचूरियन। देखें मेरे कितना यम्मी सा तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखें जी, ये मेरा जो मंचूरियन है और राइस है, ये प्लेट बिल्कुल ही रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। इंशाल्लाह आप सब ने भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सब अपना खास ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद करिएगा। मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।